जो क्लास 10th के लिए हम लोग जो है ना हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी का आंसर बताएंगे। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए विषय को देखिए, 101 रहेगा आपका, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, तो आप फटाफट से देखना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेंगे, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। आप लोग एक काम पहले कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम संस्कृत का भी पेपर अपलोड करने वाले हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, इसमें आपको ये निबंध लिखना है देश प्रेम पर। जैसे कि हम देश प्रेम पर लिखे हैं, बहुत सारा है, आपको किसी एक पर लिखना है, तो हम देश प्रेम पर आंसर लिख दिए हैं। और आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो इसका आंसर हम नहीं दिए हैं। पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के बीच में संवाद लिखे हैं, तो इस पर इसका आंसर हम लोग दिए हैं, ठीक है। और देखिए इसमें तीन क्वेश्चन का जवाब देना। पहला है कि लेखक सुजाता ने जो है ना कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। अगली क्वेश्चन है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों की परख कैसे हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी कविता का भावार्थ लिखे। आगे देखिए कवित्री अनामिका का जीवन परिचय दें, और हर वर्ष आविनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। वर्णिक जो ना वर्णिक का छंद किसे कहते हैं, इनके भेद को लिखें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। अभी इसका आगे PDF हम डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम शॉर्ट में लिखें सबसे पहले देश प्रेम पर निबंध। देखिए देशभक्ति का मतलब है कि अपने देश के हित को सबसे पहले रखना, उसके बाद विकास के लिए काम करना, और जरूरत पड़ने पर उसके लिए बलिदान देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि देशभक्ति का मतलब अपने देश के लिए अपनी जो है ना दान देना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब देश बेहतरीन के लिए जीना है। हर संभव तरीके से उसकी सेवा करना और ज़रूरत पड़ने पर उसके आपसी जो ना उसकी आपसी जनमित है। तो इसका PDF में बताऊंगा कहाँ मिलेगा, देख लीजिए। देखिए अतीत में कई लोगों ने अपने देश की सेवा की है और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। कई लोगों ने आज भी उतनी ही लगन से अपने देश सेवा कर रहे हैं। वायुसेना हो जाएगा, इस प्रकार से देशभक्ति की भावना फूट कूट कूट कर भरी है। उन्हें खुद की परवाह नहीं है, यानी कि देश के जो भी सेना है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। और आज भी कई देश ऐसे हैं जो सेवा में समर्पित है। हालांकि देशभक्ति भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज युवा अपने देश के लिए उतनी भावना रखने को नहीं रखते हैं जितनी की पीढ़ियाँ पहले रखती थी, हमारे पुरानी पीढ़ियाँ, ठीक है। तो चलिए आगे, 2 नंबर का उत्तर हम लोग दिए हैं, देख सकते हो। उच्च है जो ना अचेत, हाँ किसी भी समस्या समय पर शुद्ध पानी पीना सुरक्षित है। आज मुझे अपनी माँ से कहना चाहिए कि बर्तन धोने के लिए भी शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अचेत फिर कहता है बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, रहना हर किसी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित पानी, सफाई और साफ सफाई स्वास्थ्य जो ना तंदुरुस्त के लिए हमान की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। चलिए 3 नंबर का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर में पहला उत्तर है कि इस कहानी के माध्यम से, तो पहले मैं आपको उत्तर तो अभी बता रहा हूँ, इसका PDF बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका PDF आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाता PDF लेकर बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको नीचे इस प्रकार से चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th का सेशन मिलेगा, क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस भी होगा। यहाँ देख सकते हो हिंदी लिखा है,
सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे और आपको क्या करना है, पेज को यहाँ पर आना है, जब जब तो रिफ्रेश करना है जब तक सब्जेक्टिव आंसर दिख ना जाए। जो वीडियो में भी दिखा रहा हूँ ना, सारा आंसर आपको यहाँ पर दिखेगा। देखो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर में सही सही आंसर दे दिया हूँ, ये आप लिख सकते हो, सब्जेक्टिव का यहाँ पर दिखेगा। तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देखने के बाद आओ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नगर की जो ना स्वार्थता और मानवीयता आदि को उजागर किया है, इसलिए इस कहानी का नाम नगर रखा गया है। पूरी कहानी नगर के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक नगर सार्थक ही है। आगे देख लीजिएगा, दो नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी कि जब मछली मर जाता है तब मरी हुई मछली की आंखें में जो ना झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। बच्चों ने इसकी परख करने के लिए एक मरी हुई मछली की आंखों में झांक कर देखा, वहां पर जो ना उन्होंने उन्हें पानी पर माई नहीं दिखाई दी। तब उन्हें पता चला कि दीदी ने जो बताया था वह सही था। तो इस प्रकार से आपका अब होगा, यहाँ पर देखिएगा तीन नंबर का उत्तर, कवि ने समाज के संपन्न वर्गों को जो ना अत्याचारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो गरीबों को अपनी हर चाल का मोहरा बनाते हैं। यहाँ पर कवि ने इनका जिक्र किया है कि हमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि गरीब भी देवी की पूजा के लिए कुछ साधना जुटा लिए हैं, उसके बावजूद अभी अत्याचारियों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, बहुत तरपाया, बहुत लूटा। तो देखो मैंने आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, ऑब्जेक्टिव का बताया हूँ कहाँ पर मिलेगा, है ना, तो मैंने बता दिया। फिलहाल इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्ट, क्या कहते हो जो है ना, संस्कृत का पेपर। आप तैयार रहिए, संस्कृत का हम लेकर के आ रहे हैं वीडियो, और 9th वाले बच्चों के लिए भी। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।